राज्य में 5 दिवस वरसादनी आगाही छे, जेमां दक्षिण गुजरात अने दक्षिण सौराष्ट्रमां वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। अमदावाद अने गांधीनगरमां छूटछवાયો વરસાદ વરસી શકે છે। વાવાઝોડું દરિયામાં પોરબંદર પાસે પહોંચશે। દરિયાકાંઠે હાલમાં પવનની ઝડપ વધુ છે, 130 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે। રાજ્યમાં 2 દિવસ બાદ પવનની ગતિ વધશે। 5 દિવસ તાપમાનમાં કોઈ જ બદલાવ નહીં થાય, 40 ડિગ્રીની આસપાસ તાપમાન રહી શકે છે। રાજ્યમાં 5 દિવસ થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી રહી શકે છે, તેમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી અને તાપીમાં વરસાદ રહેશે। સાથે જ ડાંગ, ભરૂચ, રાજકોટ અને પોરબંદરમાં પણ વરસાદ વરસી શકે તેવી શક્યતા છે। અભી તક જો મેને ફોરકાસ્ટ હમને ઇશ્યુ કિયા હૈ, અભી તક અગલે 5 દિન મે યહાં મૂડને કા સંભાવના નહીં। અમદાવાદ મે આજ સચ મે અભી से फोरकास्ट बारिश का फोरकास्ट नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है। अभी अगले 2 दिन में होने का संभावना ज़्यादा नहीं है, 2 दिन का बाद हम देखेंगे। मूवमेंट अभी चल रहा है एंड पर आवर इसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर में गति में वो चल रहा है। अभी भी हमारा कोर्स से काफ़ी दूर है, 830 किलोमीटर दूर है। अभी अगले 5 दिन में और लैंड में भी हमारा जो विंड स्पीड काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है कोस्ट में, और हमारा लैंड में भी 30-40 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का टाइम में दौरान में जिससे कभी कभी गस्ट हो के 50 किलोमीटर भी जा सकता है। अभी गर्मी की सिचुएशन क्या है? अभी अगले 2 दिन में टेम्परेचर का ज़्यादा चेंजेस होने का संभावना नहीं है। जैसे अहमदाबाद में 40 डिग्री चल रहा है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री रह सकता है, लेकिन 2 दिन का बाद जैसे विंड स्ट्रांग हो जाएगा तब भी टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक फॉल होने का संभावना है।